नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में ये देखिए कि यहाँ पे एक जीरो किल होने वाला है। कैसे किल होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। 0.4 × 01045 डॉलर कैश उसमें ट्रेड कर रहा है। क्या नाम है इसका? शिबा इनू। और यहाँ पे 7.88% से यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल, यहाँ से ये ऊपर जाएगा कि नीचे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हैं, इसके 16 की हो चुकी है, यानी कि बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा प्राइस इसकी डाउन हो चुकी है। अब इसकी नहीं, ऑलमोस्ट सभी कॉइन की चीज़ें डाउन हो चुकी हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब तक शिबा इनू की मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप थी, तब तक इसकी प्राइस लगातार पंप होते जा रही थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से इन्हें बहुत टाइम से लेकर के 5-6 महीना हो गया, आप लोग देखेंगे कि मार्केट में गिरावट आता ही चला गया। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप लोग बोलते हो कि भैया ये जो शिबा इनू है इसकी प्राइस पर पर्टिकुलर चीज़ें लेकर आओ, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखिए, एक बात बताते हैं, जैसे प्रजा राजा का किस्सा जानते हैं, अगर मान लीजिए कि राजा ही सही नहीं रहेगा तो ये प्रजा क्या ही ऊपर चलेगी, जाकर भी नीचे आ ही जाएगी। लेकिन मैं आपको प्रजा राजा की किस्सा छोड़ देता हूँ, इसीलिए लोग बिटकॉइन को ध्यान देते हैं। बिटकॉइन को आपको देखना है कि इसकी प्राइस कब बढ़ती है। अगर इसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि राजा के साथ सभी वो डायरेक्शन में चले जाएंगे और सभी का सभी कॉइन यहाँ पे पंप कर रहे हैं, लग जाएगा। तो इसीलिए राजा को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, इसीलिए बिटकॉइन के प्रेडिक्शन को लोग देखते हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देख सकते कि ये जो शिबा इनू है, शिबा इनू में आप लोग बहुत सारा पैसा लगा करके रखे हो, सोच रहे कि भैया ये कब बढ़ेगा, कब कैसे क्या का कैसे, मतलब बहुत दिनों से आप लोग परेशान हो। और वॉल्यूम देखेंगे 24 घंटे का, तो यहाँ पे 20% से इंक्रीज हुई है, ये भी आप लोगों ने देखा। लेकिन अभी के दौरान यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है। अगर इसके ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को गिरता हुआ नजर आ रहा है 7% से। अभी देखेंगे कि पिछले 7 दिनों के अंदर में यहाँ पे बढ़ा था और आज देखेंगे गिर गया भैया प्राइस, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, देखिए कहानी क्या होती है कि जैसे पुराने बायर्स यहाँ पे खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब यहाँ पे बेचते हैं ना, बेचने के बाद लगातार वो बेचना स्टार्ट करते हैं। क्यों बेचते क्यों है मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि एवरी टाइम ट्रेड लेते हैं। क्यों ट्रेड लेते हैं बताते हैं, प्रॉफिट करने के लिए। यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर सेल किया। अब यहाँ पर ट्रेड ले करके ऊपर सेल करेंगे, मतलब ये है, मतलब थोड़ा सा रिस्क का फैक्टर हो जाता है ज़रूर। लेकिन मेरे भाई अभी देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा लोग देखते हैं कि अच्छा इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो बढ़ने पर थोड़ा सा वहाँ पे पैसा लगाते जाते हैं, एक टाइम के बाद वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। बस यही कहानी चलती है, जिस कारण से आपको हाइप बनती है। अगर बहुत सारे होल्डर्स का पैसा यहाँ पर बढ़ जाता है तो बहुत सारे होल्डर्स बेचते नहीं हैं। क्यों नहीं बेचते हैं? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हाई प्राइस पर खरीदा हुआ है, तो अगर वो 100% भी अभी ये बढ़ जाएगा तब भी उनका लॉस रिकवर नहीं होगा, इसलिए वो सोचते हैं कि अभी ये और बढ़ेगा। तब तक जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं अपना बेच करके निकलते रहते हैं, बाई करते रहते हैं, निकलते रहते हैं, बाई करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन हम लोगों को ये वेट करेंगे कि ये 1 रुपया जाएगा तभी बेचेंगे, ये मानसिकता है, ये सिचुएशन है। तो इसीलिए आप लोग जब 1 रुपये का वेट कर रहे हो ना, तो इस क्वाइन को, इस टोकन्स में पैसे लगा दिए आपने, बस आप उसको भूल जाओ। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। जैसे रियल इस्टेट में होता है, ज़मीन खरीद लिया आपने आज और 5-10 साल में उसका रिटर्न समझ में आता है कि भैया हाँ यहाँ पर प्राइस इतनी बड़ी और यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ। सेम उसी प्रकार से क्रिप्टो को देखना चाहिए, ये नहीं कि आज आएँ कल करोड़पति या परसों अरबपति बन जाएँ, तो ये क्रिप्टो आपके लिए नहीं है। आप क्रिप्टो को आप छोड़ दीजिए और यहाँ से बुरिया बिस्तर बांध करके कहीं और चले जाइए। स्टॉक मार्केट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को टाइम देना पड़ता है, और रोज़ वाले में भी और लॉन्ग टर्म वाले में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, बस ओवरऑल मार्केट को देखना है आप लोगों को। मार्केट जैसे ही परफॉर्म अच्छा करने लग जाएगा, बिटकॉइन की प्राइस में आप लोगों को चढ़ता बढ़ता दिखता नजर आ जाएगा, मार्केट 2 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर चला जाएगा, देन आप लोग देखेंगे कि मार्केट जब 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन के आसपास जाएगा, तो आप लोगों का जो पिछला जितना भी लॉस है आप 10 गुना से लेकर के 20 गुना तक इवन प्रॉफिट में रहेंगे। तो यही इसका फंडा है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, कोई कॉइन दिन भर रात भर मतलब ऑलवेज टाइम बढ़ता ही रहे, तो यहाँ अपने क्या नाम है इलोन मस्क लेकर के, और फिर मतलब अपने अंबानी, मुकेश अंबानी से लेकर के, मतलब जितने भी हैं अरबपति, सब इसी में पैसा ना डाल दें, आप ही सोचिए। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म में डिप में रहता है, फिर एक बार हाइप बनाता है। तो यहीं के लिए वीडियो को हम समाप्त कर देते हैं। आप लोगों को अच्छा होगा कि ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई कि भैया देखो 1-0 किल करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ। 3-0 पे ऑलरेडी था, 1-0 यहाँ पे माइनस हो गया, यानी कि 1-0 और कम हो गया। इसका मतलब कि इसकी प्राइस और ज़्यादा डाउन हो गई। तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, बस चुपचाप से यहाँ पे इसको देखनी चाहिए, इसके प्राइस को, और लॉन्ग टर्म के
प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए। ये नहीं कि यार लिया कल 2-0 3-0 किल कर गया और हाँ इसका जो अच्छा खासा कितना भी इसका सिबेरियन नाम का ब्लॉकचेन आ जाए, मतलब क्या है कुछ भी हो जाए भाई, इस डिप मार्केट में इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो सकता। होगा पंप होगा लेकिन इतना जल्दी इतना ज़्यादा पंप नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ जैसे ही मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा उस समय अगर ये ब्लॉकचेन से लेकर के हर चीज़ अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उस समय लोगों का मन लगा रहता है, लोग पैसा लगाते हैं, जिसके कारण से इसकी प्राइस में पंपिंग देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं जो भी खबर आती है आप लोगों के सामने हम डिस्कस करेंगे।